अच्छा स्वामी जी, आजकल जिधर देखिए और जिसे देखिए वो अजीब सी उलझनों में है, इतना सारा बोझा लिए टहल रहा है, हर वक्त फ़ोन पे लगा पड़ा है, पता नहीं सैकड़ों कंपनियां उसकी चल रही हों, मानो हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है, लाखों लोगों को मैनेज कर रहा है, इतना सारा स्ट्रेस है और ये हाल 100 में से 99 लोगों का है, बहुत सारा तनाव लिए जी रहे हैं, जाम बोझ और है कुछ नहीं हाथ में, जेब खाली की खाली है सबकी। तो स्वामी जी, स्ट्रेस लेने से क्या कुछ तरक्की मिलती है क्या? बल्कि सुन रहे हैं कि धमनी में दिक्कत आने लगती है, वॉल जो है वो डैमेज होने लगती है। तरक्की नहीं मिलती सिवा दुर्गति के, कुछ नहीं रखा, इसलिए निर्भार रहो, बोझा लेकर के मत जियो, निर्भार रहो, निर्वैर रहो, निर्भय रहो, अभय रहो। और तो स्वामी जी, नसें मजबूत रहें, वॉल्व डैमेज ना हो, इसके लिए भी कुछ बता दें। इसके लिए एक तो जो है बिल्कुल सिंपल सा अभ्यास है, ऐसे ये ऐसे सूक्ष्म है, डॉक्टर साहब करो, हाँ ऐसे ऐसे ये, अब बताओ, ऐसे हल्के हल्के अभ्यास करने से ही नसें अच्छी रहती है। नसों की मजबूती के लिए फिर थोड़ा सा अश्वगंधा और थोड़ा शतावर का प्रयोग कर लेना चाहिए, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग करें। जमाना इधर उधर भटक रहा है, नसों की मजबूती के लिए, पूरे शरीर की मजबूती के लिए पहले तो गुड़ बताया था, अब ये जो है ये, अरे बड़ी डॉक्टर साहब आप तो ये खाओ, बड़ी करारी करारी काम चलेगा नहीं गुड़, जरा हाँ। लोगों को बता भी दीजिए कि गुड़, और जाइए जरा वहां तक जहां पर गुड़ तैयार हो रहा है, और जरा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि गुड़ तैयार कैसे होता है। एक बार मैंने अपने कार्यक्रम मोदी मुसलमान में भी दिखाया था, लेकिन आज हम कोहलों में ऐसे पेलते हैं, ये कोहलों में ऐसे पेलते हैं, देखो सावधानी से खड़ा होना पड़ेगा, कभी मैं पिल जाऊं। उधर से गन्ना ऐसे कोहलों में डाला, पर वहां से रस आया, देखो ये रस इधर से यहाँ आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ये रस, ये वहां से पिल करके रस आया, इसको यहाँ छान दिया, देखो ये टैंक भर गया, स्टील का है पूरा, फिर यहाँ से रस यहाँ आया, यहाँ से इसको पका रहे हैं, पका करके जो सुकलाई बताई थी ना, वो सुकलाई ऐसे डाल करके ये इसमें डालते हैं, ये सुकलाई डालते हैं ऐसे, तो ये जो सुकलाई है ना, ये देखो कैसे ऐसे ऐसे हो जाता है, हाँ ये, फिर इसमें से गरम गरम देखो, तो ये अब इस, ये चिकना चिकना ऐसे डॉक्टर साहब। और ये देखो ये गुड़, अब ये पक करके, अब ये देखो तीन जगह इसकी चाशनी की सफाई होती है, ये देखो गुड़ इधर ऐसे, ये ऐसे पक गया, हाँ हिला भाई इसको, हाँ देखो इधर दो मेरे को, वो जो वेपर है ना स्वामी जी, शायद उसकी वजह से इसको हिलाते हैं ऐसे, और इसको ऐसे हिला हिला करके, और इसका पूरा पानी फूंक देते हैं, पूरा पानी फूको भाई इसका, और पूरा पानी फूंक करके फिर इसको उधर डालेंगे ऐसे, ये ऐसे, फिर इसको उधर डाल करके, और फिर इसको जैसे जैसे ये, अब देखो मैं उधर जाता हूँ, पकड़ो भाई, और देखो अब आगे बताता हूं, यहां ये आने के बाद इसको इधर डालते हैं, एक दो पलटा इधर डालो भाई, हाँ, और यहां डालने के बाद फिर ये देखो, ये पूरा डाल डाल डाल, सोच क्या रहा है ऐसे, यहां अब ये ठंडा होकर के ऐसे जम जाएगा, जैसे ये है ना मेरे पास, देखो ये ऐसे ऐसे जम जाता है, ऐसे ये ऐसे बन जाता है, फिर डाल डाल डाल, डालता रहे पहलवान, और फिर उसकी पीसेस काट ली जाएंगी, ऐसे खूब पकाओ इसको, खूब पकाने के बाद हाँ, फिर इसके पीसेस काट काट के, फिर इसमें ये हम ये भी डाल देते हैं, मूंगफली तेल, और ये जो है स्वादिष्ट और बनाने के लिए नारियल, और नारियल आदि, देखो ये ऐसे इसमें ये ढले हुए ना, और ऐसे फिर इसको खाते ऐसे, हाँ स्वामी जी स्वाद अभी आगे, रामबाण तो भी तो बाकी है अभी,
हाँ अरे ये इसी गजक भी गजब के रेवड़ी। वाह क्या स्वाद है स्वामी जी, मजा आ गया। खाया स्वामी जी ने स्वाद, स्वाद अमित को आ रहा है। गजब का स्वाद मिला आज तो, मतलब सर्दी के मौसम में गुड़ से बनी चीजें तो वैसे भी स्वामी जी बड़ी डिमांड में रहती हैं। हम दूर से देख के ही खुश हो लिए इस वक्त। स्वामी जी स्क्रीन के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीधा हुसैन जोसना और हमारे मुंह तक पहुंच रहा है ये।